आज तो बड़े जल्दी घर आ गए, रोमांटिक मूड में हो। अरे भाई कहो तो पहली मुबारकबाद मैं ही दे दूं। नहीं मैं ये किताब पढ़ रहा था, देखो तुम। अरे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, आसार बता रहे हैं कि मकान किराए पे चल चुका है। नाम तुम ही बताओगे या मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा? है? लगता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, तभी इधर उधर की आंखते हो। जब मुनासिब समझो तब बता देना। मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इस तन्हाई से तुम्हें हौल नहीं आता? इस तन्हाई से मुझे क्यों हौल आएगा भला? ये तन्हाई तो मेरी साथी है, मेरे अंदर है बहुत अरसे से। तो फिर खत्म कर दो इसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? देखो इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो जिंदगी से भरपूर हो, जिसकी हंसी की आवाज इस घर के कोने कोने में सुनाई दे, जो इस सन्नाटे को जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, उसे तोड़ दे। और मैं समझता हूं कि ऐसी लड़की डॉक्टर जोया ही है। बट इन फैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं उस उम्र के फर्क को क्या करूंगा जो मेरे और उसके दरमियान मौजूद है? उम्र के फर्क से क्या होता है? बहुत कुछ होता है आदिल। ये वो फासला है जो वक्त के साथ साथ घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता। देखो दिलो दिमाग में फासले नहीं होने चाहिए, उम्र के फासले से क्या होता है? और मैं समझता हूं तुम्हें पसंद करती है। शायद इस वक्त वो मुझे आइडियलाइज करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बुत उसे बड़ा फरसूदा, बहुत पुराना लगेगा। और मैं भी तो उसकी उम्र के लोगों में अनमिल और बेजोड़ महसूस करूंगा। फिर क्या रह जाएगा सिवाय पछतावे के? ओ, एक तो तुम्हारे साथ मुसीबत यह है कि जब भी बात करो तुम सीधा मैदान हश्र तक पहुंच जाते हो। मैं ये जानता हूं आदिल कि आदमी खुद मुख्तार होने के बावजूद बहुत बेबस होता है। बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जहां कुछ भी तो उसके बस में नहीं होता। आइए ना, डरिए मत, आपको गिरने नहीं दूंगा। आपने गलत समझा कि मुझे आपकी परवाह नहीं है, मुझे आपकी बहुत परवाह है। मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है।
रंग आप पे सूट करता है, पहना कीजिए अक्सर इसको। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं। आपकी समझ में ना आता है ना आएगा, इसलिए कि आप अपने अलावा किसी और के लिए सोचती हैं। अपनी मर्जी तो कर ली ना आपने, अगर कुछ हो जाता तो नतीजे का जिम्मेदार कौन होता। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं ये जानना चाहता हूं जोया कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। आप सच जानना चाहते हैं या झूठ? सच ऑब्वियसली। क्यों मुझसे क्यों सच जानना चाहते हैं? आपने तो हमेशा झूठ बोला है। तुम गलत कह रही हो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। जो कुछ आपने कहा था अगर सच होता तो नफरत में इतनी जल्दी कभी ना बदलता। तुमने मुझे समझने में बड़ी गलती की है, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है। बात यह कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो महज वक्त और तजर्बा हमें सिखाता है। यही तो है, आपने हमेशा अपनी बुराई के पीछे खुद को छुपाया है। मुझे तो आपने हमेशा ना समझ और बेवकूफ समझा है, जिसकी हिमाकतों पे कभी हंसती है कभी डांट दिया, लेकिन मैं आपको समझ चुकी हूँ। तुम बड़ी ज्यादती कर रही हो सोया। मैंने अपने आप को तुमसे कभी नहीं छुपाया, बल्कि तुम इस दुनिया की वाहिद हस्ती हो जिसके सामने मैंने अपने आप को वैसे ही दिखाया है जैसा मैं हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं आपको जितना जान चुकी हूँ उससे ज्यादा नहीं जानना चाहती। क्यों? क्या मैं इस कदर काबिल नफरत हूँ? नफरत तो आपके अंदर है डॉक्टर अहमर। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिन लोगों को हम आसमानों पे बिठा देते हैं वो जब मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं ना तो चोट हमें खुद लगती है। किसने हक दिया तुम्हें इस तरह बात करने का, इस तरह दूसरों पर फैसले सादिर करने का? क्या जानती हो तुम जिंदगी के बारे में? अली खान, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, इसकी बदसूरतियों को बेनकाब देखा है। इसका बदला आप दूसरों से कब तक लेते रहेंगे? दूसरों का क्या कसूर है इसमें, मेरा क्या कसूर है? यही ना कि एक शख्स ने दुनिया से जाते जाते अपनी बेटी को याद किया, इसलिए आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्योंकि मैं आपके बाबा की मोहब्बत उस मकान के बीच में आई? ना मुझे वो मकान चाहिए और ना आप। मत करो ऐसी बातें जोया, मत करो ऐसी बातें जिनके ना तुम मायने जानती हो ना जिनकी काट का तुम्हें अंदाजा है। कितना जानती हो तुम मेरे बारे में? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप एक नहायत ही खुदगर्ज इंसान है। जिंदगी में आपने सिर्फ अपने आप से मोहब्बत की, सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ने आपको अहमियत दी है, इसलिए तो आप जैसे लोग मोहब्बत से इब्तिदा करते हैं नफरत में इंतहा होती है। तुम गलत समझती हो सोया, मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, कभी की है तो अपने साथ से, अपनी मजबूरियों से या जिंदगी की बदसूरतियों से। झूठ मत बोले, आपने इतनी नफरत की है कि आप मोहब्बत के काबिल ही नहीं रहे, आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते। इसलिए तो मैं जा रही हूँ, और मुझे इतना भी मालूम है कि मेरे जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से चाहने वाले हैं आपके। तुम्हें मुझे जाना जरूर से है, लेकिन पहचानना बिल्कुल, और इसकी मुझे शिकायत भी नहीं है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए भी तुमने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हंसता हुआ अपने रास्ते भी चला जाऊंगा, बड़ी ज्यादती की तुमने मेरे साथ, बहुत कम तक समझ मुझे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, और इस वादे के साथ
कि आइंदा में एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। चलो। शीना आपने मुझे बुलाया था। आई मिस खान, आप मुझे सिर्फ शीना क्यों नहीं कहती? मैं आपसे इतनी बड़ी तो नहीं, आप मुझसे सीनियर हैं। जरा अपना हाथों दिखाओ, तुम्हारे हाथों की लकीरें बहुत जोरदार होंगी। कभी लॉटरी निकली? जी नहीं। डॉक्टर अहमद की शख्सियत बड़ी मकनतीसी, लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तुसे वो अमीर भी तो बहुत है। तो खैर, ये तो आप जानती हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर शीना, ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। हाँ, अहमद को मैं बहुत बेहतर तौर पर जानती हूँ, और इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही कि अपना वक्त जाया ना करो, वरना बहुत पछताओगी। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी कुछ दिन में, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। उम्र के इस गैप को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते, और अगर तुमने करने की कोशिश की, जो कि मुझे अंदाजा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपका मतलब क्या है? तुम अगर गलत रास्ते पे चलोगी तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें रोकूं। जी नहीं, मैंने आपको ये हक कभी नहीं दिया। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सीधे रास्ते पे चलूं या गलत रास्ते पे, ये मेरा फैसला है। और अच्छा हुआ कि आपने ये बात लफ्जों में कह दी। आपने सही अंदाजा लगाया है, मैं डॉक्टर अहमद को पसंद करती हूँ, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो मुझसे बड़े हैं या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। इसलिए डॉक्टर शीना, मोहब्बत में और दुकानदारी में बड़ा फर्क होता है। आपने अपनी सारी उम्र दुकानदारी की है, तभी इतना धोखा खाया। कुछ नहीं सर। खैरियत तो है? जी, मैं तो फारिग था, सोच रहा था आप लोगों के साथ चाय पीऊंगा, लेकिन वहां तो। सर आप अभी भी आए ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मैं जरा वार्ड में जाता हूँ।